अब तक आपने देखा कैसे रामा कलावती और सपेरे का भेद दरबार में खोलता है, कि कैसे वो दोनों ठग सबको ठग कर राजकोष से धन प्राप्त करने की इच्छा रखते थे। रात्रि में रामा एक कवच ढूंढते हुए अपने परिवार के साथ दरबार आता है, जहां उन्हें चंद्रकला के विषकन्या होने का सच पता चलता है। चंद्रकला अपने विष का प्रभाव रामा को दिखाने के उपरांत रामा को देख उसके घर पहुँचती है। अब आगे से कुछ नहीं कहा, हम तो केवल उन्हें प्रसाद देने जाने की चर्चा कर रहे थे। ये प्रसाद तो महाराज को अवश्य पहुंचाना चाहिए। क्यों पंडित जी? परंतु ये प्रसाद पूर्ण नहीं है। तुमने क्या किया? इस प्रसाद में शारदा की प्रार्थना के साथ अपना विष भी मिला दिया। अब तुम इन लड्डुओं को लेकर दरबार में सबके समक्ष महाराज को खिलाओगे। और शारदा देवी, देखना ये है कि आपकी श्रद्धा और हमारे विष में अधिक प्रभावशाली क्या है। तुम्हारी ये कामना कभी पूर्ण नहीं होगी। वैसे भी मैं तो हिल भी नहीं पा रहा हूं, दरबार कैसे जाऊंगा? ये बूटी पानी में मिला के पी लो, इससे हमारे विष का प्रभाव नष्ट हो जाएगा। कृष्णदेव राय की मृत्यु तो हमारे विष से होगी, परंतु उसका माध्यम तुम बनोगे। मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा। अपने परिवार के लिए भी नहीं? जब तक ये कार्य संपन्न नहीं होता, तुम्हारा परिवार मेरे कृपा पे जीवित रहेगा और चतुराई की तो स्मरण रखना, विष ही शस्त्र है। इन सभी की जीवन लीला समाप्त हो जाएगी। अब सब चलो हमारे साथ, दरबार में आज आम सभा है। अनर्थ मैं नहीं कर सकता। देवतुल्य महाराज को मैं अपने हाथों से विष नहीं खिला सकता। उन्होंने मेरे लिए इतना कुछ किया है। ये प्रतिष्ठा, आदर, धन, संपत्ति उन्हीं की तो देन है, पर मैं उनके साथ, परंतु मैं क्या करूं? अधिक विचार करने की आवश्यकता नहीं है पंडित रामकृष्ण, अन्यथा विष ही शस्त्र है। कितने अमरूद लेकर आए हम, कितना शर्म करवा लिया हमसे, और स्वयं ना जाने कहां लुप्त हो गई ये चंद्रिका। हम तो पहले निवेदन कर रहे थे गुरुजी की, इतना शर्म मत कीजिए। अरे गुरुजी ने कहा शर्म किया, परिश्रम तो हमने किया। अमरूद तोड़ते तोड़ते कमर हमारी टूट गई। हाँ गुरुजी, हमें आ रही दीजिए। प्रणाम आचार्य। हाँ प्रणाम आचार्य। इस पोटली में क्या है? आपके लिए नहीं है।
अरे आइए आइए पंडित रामा कृष्णा, क्या लेकर आए हमें भी दिखाइए। क्या है इसमें पंडित रामा कृष्णा? हम सबके लिए लड्डू लेकर आए हैं। नहीं गुरुवर, आइए हमसे प्रारंभ करवाइए, हम करते हैं। ये लड्डू आपके लिए नहीं है। अरे गुरुजी, अकेले अकेले खाने से पेट खराब हो जाता है। लड्डू चाहिए। अरे रुकिए रुकिए, सबसे पहले तो हम ग्रहण करेंगे इसे। महामंत्र नहीं मंत्री पर, ये लड्डू आप। अरे हमें दीजिए, हमें दीजिए। गुरु से पहले शिष्य कैसे खा सकते हैं? अरे हटिए। गुरुजी क्या हुआ? नहीं मानी। हाँ, ये पंडित रामा कृष्णा ने हमें नाम लेकर पुकारा। हाँ तथाचार्य, इसका इतना साहस कहाँ? हमें नाम लेकर पुकारे। वैसे नाम तो इसने लिया, छोड़ेंगे नहीं पंडित रामा कृष्णा। क्या हुआ पंडित रामा कृष्णा, आप इतने विचलित क्यों हो गए, और वो भी केवल लड्डू के लिए? कुछ नहीं मंत्री वर, महाराज कृष्णदेव राय पधार रहे हैं। महाराज कृष्णदेव राय की जय। 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 महाराज कृष्णदेव पंडित रामकृष्णा, क्या है आपके हाथों में? वो अम्मा ने माँ काली को नैवेद्य चढ़ाकर आपके लिए प्रसाद भेजा है महाराज। हमारे लिए? तो फिर लाइए, हमारे निकट आइए, हमें प्रसाद दीजिए। पंडित रामकृष्ण, आपका हाथ कांप क्यों रहा है? कुछ नहीं महाराज, आप प्रसाद ग्रहण करें। हमारा अभियान पूर्ण हो गया। कृष्ण ने आपको विष दे दिया है महाराज, वो लड्डू जो आपको खिलाया उसमें विष था। नहीं, नहीं क्या पंडित रामकृष्ण, हम प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। हाँ कुछ नहीं महाराज, आप प्रसाद ग्रहण करें।
पंडित रामकृष्ण, ये क्या उपहास है? आप हमारा अपमान कर रहे हैं। कैसी विष कन्या है आप? आपके विष का तो कोई प्रभाव ही उत्पन्न नहीं हो रहा। विष कन्या, साहस ही कैसे किया हमें ये प्रश्न पूछने का? ये असंभव है। ये लड्डू खा के इस समय तक तुम्हारी मृत्यु हो जानी चाहिए थी, क्योंकि हम विश्व के सर्वश्रेष्ठ विश्वकन्या है। हे भगवान, विश्वकन्या? अम्मा, लाठी। पंडित रामकृष्ण, कोई हमें बताएगा यहाँ पर क्या हो रहा है? कौन है ये कन्या और क्या कह रही थी ये? महाराज, ये चंद्रिका या जो कुछ भी इसका नाम है, ये वास्तव में एक विष कन्या है। आपके शत्रुओं ने आपका वध करने के लिए इसे विजयनगर भेजा था। इसी ने इन लड्डुओं में विष मिश्रित करके आपका वध करने का प्रयोजन बनाया था, और इसी प्रयोजन से ये सौंदर्य प्रसादिका बनकर इस राजमहल में आई थी। मेरे परिवार को बंधक बनाकर इसने मुझे आपको ये विष मिश्रित लड्डू खिलाने के लिए बाध्य किया। ये अन्य कई लोगों की मृत्यु के लिए प्रयासरत थी महाराज, और आपका वध करने के पश्चात इसने महारानियों का भी वध करने की योजना बनाई थी। इसने मुझे धमकाया था कि यदि मैंने इसकी वास्तविकता और योजना के बारे में आपको अवगत करा दिया तो ये अन्य लोगों के साथ साथ मेरे परिवार को भी मार डालेगी। अच्छा, तो आप महाराज को विषाक्त लड्डू खिलाने पधार गए। वाह पंडित रामकृष्ण, वाह वाह। मेरे हाथों इतना बड़ा महापाप कैसे हो सकता था गुरुवर? और इस प्रयोजन से आपने वो विषाक्त लड्डू स्वयं ग्रहण कर लिए। कोतवाल, सैनिको, चंद्रिका को तुरंत बंदी बना लो। रुकिए, सावधान, कोई लाभ नहीं होगा। ये आप लोगों का भी वध कर देगी। ध्यान रहे, ये विष कन्या है, इसकी श्वास में भी विष है। सर्वप्रथम इसका मुंह बंद किया जाए और इसके दोनों हाथों को पीछे की ओर बांधा जाए। शीघ्र करें, इसकी चेतना वापस आने से पूर्व ये कार्य संपन्न होना चाहिए। शीघ्र करें। आपने क्या किया? आपको स्वयं वो विषाक्त लड्डू खाने की क्या आवश्यकता थी? चिंता ना करो शारदा, अम्मा, कुछ नहीं होगा मुझे। क्यों, चकित रह गई चंद्रिका? ऐसा कुछ भी घटित नहीं हुआ जैसा तुमने सोचा था, क्योंकि वो बूटी मैंने तब खाई ही नहीं जब तुमने मुझे घर में दी थी। तब मैंने केवल उत्तम होने का ढोंग किया था। वो बूटी मैंने तब खाई जब वो लड्डू मैंने महाराज से छीना। हम बाल बाल बच गए। हे भगवान, हम विष कन्या के पीछे पड़े थे। यदि कभी इसने अपना विष महाराज, इसे तत्काल मृत्यु दंड दिया जाना चाहिए। नहीं महाराज। क्यों नहीं पंडित रामकृष्ण, ये क्या कर रहे हैं आप? क्या हो गया आपको? इसने जघन्य अपराध किया है महाराज, इसे तो। गुरुवर, ये अपराधी है, किंतु केवल अपराधी नहीं, इसके साथ भी अत्याचार हुआ है। महाराज, इन विष कन्याओं का जीवन अत्यंत कठोर होता है। इन्हें बाल्यकाल से ही नमक वाला आहार ना देकर केवल विष दिया जाता है। इस प्रक्रिया में कई कन्याओं की तो मृत्यु हो जाती है, और जो कन्या इस विष को सहन कर लेती है उसकी श्वास, रक्त, नख, जीवा सब विषाक्त हो जाते हैं। गुरुवर, जघन्य अपराध तो उन लोगों का है जो इस जैसी भोली भाली कन्याओं को विष दे देकर विष कन्या में परिवर्तित करते हैं। महाराज, विषाक्त होने के कारण इन्हें जीवन पर्यंत अकेला रहना पड़ता है। ना कोई सगी संबंधी, ना परिवार, ना मित्र, इनका कोई नहीं होता। किसी भी मनुष्य से इनका कोई संपर्क ही नहीं होता, ना ही भावना होती है। किंतु इसका अर्थ ये नहीं कि बाकी के मनुष्यों की तरह इनमें भावनाएं जागृत नहीं हो सकती। महाराज, यदि इसे दंड देना अनिवार्य ही है
तो इसे विष मुक्त करने का दंड दिया जाए जिससे इसका जीवन संवर जाएगा। परंतु ये कैसे संभव होगा पंडित रामकृष्ण? महाराज, इसे भरपूर नमक युक्त आहार दिया जाए जिससे इसके शरीर का विष धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। यह अत्यंत ही कष्टप्रद प्रक्रिया है महाराज, जिससे ये बहुत छटपटाएगी, तड़पेगी, किंतु संभवतः यही दंड इसके लिए उपयुक्त होगा। और जब एक बार इसके शरीर का विष समाप्त हो जाएगा, तब ये एक सामान्य स्त्री की तरह हो जाएगी। मंत्रीवर, इन्हें यहां से ले जाया जाए और इन्हें ध्यान पूर्वक नमक युक्त भोजन करवाया जाए। जो आज्ञा महाराज। अब हमें ज्ञात हुआ कि आप हमें तथाचार्य कहकर चिल्लाए क्यों थे। हमारे प्राणों की रक्षा के लिए धन्यवाद। महाराज, हम समझ नहीं पा रहे हैं किस प्रकार हम आपका आभार व्यक्त करें। आपने अपने प्राणों की चिंता किए बिना पुनः एक बार हमारे प्राणों की रक्षा की है। आपके प्राणों से अधिक मूल्यवान और कुछ नहीं महाराज, ना मेरे लिए ना संपूर्ण विजयनगर के लिए। धन्य है आप, और धन्य है आपकी राष्ट्रभक्ति। जब तक विजयनगर राज्य में आप जैसे राष्ट्रभक्त है, तब तक विजयनगर को कोई भी विष आतंकित नहीं कर सकता है पंडित रामकृष्ण। महाराज, पुरस्कार भी दीजिए। अवश्य अवश्य पंडित रामकृष्ण, आज आप पुरस्कार के योग्य तो हैं। और आपका पुरस्कार ये है कि जब तक आप पूर्ण रूप से स्वस्थ नहीं हो जाते हैं, आपको राज दरबार में आने की कोई आवश्यकता नहीं है। महाराज, विजयनगर राज्य के सम्राट कृष्णदेव राय स्वयं आपको आपके आवास तक छोड़ने जाएंगे। महामंत्री जी, महाराज शीघ्र अति शीघ्र राज वैद्य को पंडित रामकृष्ण के आवास पर भेजिए। जो आज्ञा महाराज। आइए पंडित रामकृष्ण। जी, कहां आप चले थे पंडित रामकृष्ण को फंसाने, और यहाँ ये प्रशंसा से प्रशंसा प्राप्त करता जा रहा है। गुरु जी, अब तो विषाक्त लड्डू खा ही लीजिए, आपका जीवन व्यर्थ है। व्यर्थ तो हम पंडित रामकृष्ण का जीवन कर देंगे, बस अवसर मिल जाए। से कैसे बचे? ये और महाराज मलयुद्ध, वाह, आत्मा प्रसन्न हो गई। महाराज, महाराज कृष्णदेव राय की जय। महाराज कृष्णदेव राय की जय। और कोई जो हमें चुनौती देना चाहता हूं? पंडित रामकृष्ण।
मुझे तो क्षमा करें महाराज, मेरा आज अद्वंदी व्रत है। अद्वंदी व्रत क्या होता है पंडित रामकृष्ण? इस प्रकार के व्रत में किसी से द्वंद नहीं करते। हाँ, अद्वंदी व्रत। गुरुवर, हमारा भी व्रत है महाराज। आपका भी व्रत है, परंतु आचार्य आपने कौन सा व्रत रखा है? करवा चौथ का व्रत। क्या? गुरुदेव, करवा चौथ का व्रत तो स्त्रियां रखती हैं और आप तो पुरुष हैं। क्या ज्ञात है? भली भांति ज्ञात है। आज ग्रह नक्षत्र वैसे ही है जैसे करवा चौथ पर होते हैं। बस इस शुभ अवसर पर हमने व्रत रख लिया महाराज। अर्थात हमें चुनौती देने वाला और कोई नहीं है। अद्भुत था। आप जैसे योद्धा तो अपनी आधी सेना को स्वयं ही समाप्त कर सकते हैं। महाराज, हम आपको चुनौती देते हैं, आप हमसे द्वंद्व कीजिए। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।